हे गाइस नमस्कार आप लोगों का टॉप टाप क्लासेस के प्यारे से पर स्वागत है गाइस यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम स्टार्ट है प्यारे बच्चों काफी बच्चों का हिंदी का एग्जाम हो चुका है और 21 तारीख को जो है गणित का एग्जाम है कक्षा दस वालों का प्यारे बच्चों उसी को नजर में रखते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों की आपके गणित के एग्जाम में आपको कितने प्रश्न करना है और कितने प्रश्न पर कितने नंबर मिलेंगे और आपको टाइम कितने टाइम में क्या प्रश्न आपको हल करना चाहिए प्यारे बच्चों कि कि जिससे आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए प्यारे बच्चों तो आइए हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों आठ नंबर वाले जो प्रश्न है आठ अंक वाले जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार यार रिपीट हुए हुए जो प्रश्न है मतलब कहने का मतलब है आठ नंबर जो जिसमें अंक आते हैं वो वाले जो प्रश्न होते हैं वो कई बार रिपीट किए गए जो प्रश्न हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों उसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा प्यारे बच्चों सभी क्लासे आपके चैनल पर उपलब्ध है आप वहां से जाके सभी क्लासे अटेंड कर सकते हैं जो सवाले यहां पर आज आपको न समझ में आए थोड़ी सी अगर फास्ट बताया जाए तो वो सभी सवाल आप आराम से या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अगर सर मुझे ये सवाल मेरा तैयार नहीं है ये सवाल आप बता दीजिए तो जरूर बताएंगे चलिए शुरुआत करते हैं तो प्यारे बच्चों आपके जो गणित का एग्जाम होने वाला है इस सत्र में उसमें आपको जो है छ करके प्रश्न पूछेगा सबसे पहला होता है बहुविकल्पी प्यारे बच्चों सबसे पहले बहुविकल्पी होता है तो बहुविकल्पी में बीस प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों कितने प्रश्न पूछता है बीस प्रश्न पूछता है और प्रत्येक का एक एक नंबर रहता है और कुल आपको 20 अंक के बहुविकल्पी रहते हैं यानी प्यारे बच्चों गणित में आपके पास 20 प्रश्न ऐसा आने वाला है जिसके जो बहुविकल्पी होंगे ओनली आपको टिक लगाना है और टिक लगा के आपको जो है और प्रत्येक प्रश्न का एक एक नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों जिससे आपको बीस नंबर यहां से मिल जाएगा आगे करा अगला क्या दो अंक वाले प्रश्न जो है वो कितने प्रश्न पूछते हैं प्यारे बच्चों पांच प्रश्न पूछते हैं दो अंक वाले पांच प्रश्न पूछते हैं और जिसकी टोटल अंक आपको कितने मिलते हैं दस नंबर प्यारे बच्चों फिर उसके बाद पारी आता है चार अंक वाले प्रश्नों का चार अंक वाले प्रश्नों में कितने प्रश्न आते हैं चार प्रश्न आता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा सॉरी छह प्रश्न आते हैं कितने प्रश्न आते हैं छह प्रश्न चार अंक वाले में कितने प्रश्न आते हैं छह प्रश्न आते हैं और कितने नंबर का रहता है चार चार नंबर का जिससे कि छह चौके चौबीस चौबीस नंबर आपको मिलता है प्यारे बच्चों फिर लास्ट में आता है आपको आठ नंबर वाले का प्रश्न और आठ नंबर वालों का जो प्रश्न होता है प्यारे बच्चों वो आपको ओनली दो करना रहता है ओनली दो अट्ठे कितने सोलह सोलह नंबर हो जाते हैं पैर बच्चू इस प्रकार आप आप कुल अंक को जोड़ लेते हो तो सत्तर हो जाता है और कुल प्रश्नों को जोड़ लेते हो तो तैतीस मतलब आपके हाई स्कूल के एग्जाम में इस बार आपको थर्टी थ्री अर्थात तैतीस प्रश्न सॉल्व करने हैं और तैंतीस प्रश्न को सॉल्व करके आपको सेवेंटी नंबर लाना है उम्मीद करता हूँ प्यार बच्चों कि आपके एग्जाम में जितने भी तैतीस प्रश्न आएंगे सभी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को आप लोग आसान पूर्वक सॉल्व कर सके यही कामना करता हूं प्यारे बच्चों इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूं चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं प्यारे बच्चों तो आपके स्क्रीन पे यानी आपके स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट सवाल दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों जो कि आठ नंबर का है आपके एग्जाम में ये आठ नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया प्यारे बच्चों तो आप ध्यान से सबसे फर्स्ट नंबर जो सवाल है उसको ध्यान से लिखिएगा क्या करा है समीकरण दो छोड़ दिए गए हैं तीन एक्स प्लस वाई माइनस बारह इक्वल टू जीरो एक समीकरण ये है फिर अगला है एक्स माइनस तीन वाई प्लस छह इक्वल टू जीरो ऐसे आपको लिख देना है प्यारे बच्चों फिर आगे क्या करना है कि ये समीकरण नंबर आपको एक बना लेना है और ये समीकरण नंबर क्या बना लेना है दो बना लेना समीकरण एक और दो को हल करके हम पॉइंट ज्ञात करेंगे और उसी पॉइंट को ग्राफ विधि में दिखाएंगे और ग्राफ विधि से त्रिभुज बनाएंगे तब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है अब देखो हम किसी भी समीकरण से बिंदु कैसे निकालते हैं हम एक तरफ x को कर देते हैं प्यारे बच्चों एक तरफ y को कर देते हैं तो ध्यान से देखिएगा अब समीकरण एक यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण एक क्या है ध्यान देखिए ये माइनस बारह को हम उधर कर देते प्लस बारह हो जाएगा प्यारे बच्चों और तीन एक्स को उधर के लिए बराबर उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा ये तीन एक्स को अगर हम उधर ले जाए तो माइनस होगा ये माइनस बारह को उधर ले जाए प्लस हो जाएगा अर्थात y इक्वल टू लिख सकते हैं बारह माइनस तीन एक्स ठीक अब इसके लिए हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं एक्स वाई का तो ध्यान से एक कॉलम बनाते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से दिखेगा एक कॉलम बना लेते हैं एक में एक्स दिखा देंगे एक में क्या दिखा देंगे वाई तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गए फिर से यहाँ आप दो कॉलम बना के वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों फिर उसके बाद समीकरण दो का समीकरण दो को ध्यान से दिखेगा समीकरण दो आपसे क्या रहा है कि ये माइनस तीन वाई को अगर हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस तीन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये उधर जा रहा है तो प्लस हो रहा है और ये वाला उधर जा रहा है तो माइनस हो रहा है, है टेबल निकालेंगे प्यारे बच्चों जो की बहुत ही आसान होता है अगर आपने क्लास ली होगी तो ये सारी चीजें आपको मक्खन के जैसा लग रहा होगा ध्यान देखिए अब अगर मैं यहां से बोलू अगर मैं प्यारे बच्चों यहां से बोलू कि एक्स की वैल्यू क्या रख दे चार रख दे एक्स की वैल्यू चार रख दे तो चारह बारह में से बारह घटा दोगे जीरो आ जाएगा। y की वैल्यू जीरो बच्चों अपने मन से कोई को रखना, मान रखना है यदि मैं X की वैल्यू तीन रख दू सॉरी रखना है एक्स की वैल्यू तीन रख दू तो तीन त्रिका नौ बारह में से नौ घटा दोगे तीन आ जाएगा ठीक कोई दिक्कत नहीं अब आइए इस पे देखते हैं ध्यान से देखना अब यहां पर मैं क्या रखने वाला हूं प्यारे बच्चों ये एक्स कर दिया ये वाई अगर वाई के स्थान पे दो रख दू तो तीन च्छा, च्छा में से घटा दोगे जीरो वैल्यू हाँ तो मिल गए अब इन्हीं को हमको क्या दिखाना ग्राफ पे दर्शाना प्यारे बच्चों तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाते समय ध्यान देना कि x पे मैक्सिमम वैल्यू चार है और y पे मैक्सिमम वैल्यू तीन है तो हम ऐसा टेबल खींचेंगे लाइन खींचेंगे स्केल की मदद से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से दिखेगा जिस पे हम एक्स पे चार दिखाने का प्रयास करेंगे ये इसका ओरिजिन होता है ये मूल बिंदु होता है जहां भी होता, वाई भी जीरो वाई अक्ष होती है अब आप देख पा रहे होंगे कि एक बार एक्स पे चार है और एक बार क्या है जीरो है मतलब चार और जीरो को देखना है तो प्यारे बच्चों देखिए एक्स पे चार तो एक्स पे चार अभी आपने दर्शाया ही नहीं है एक फिर ये दो फिर ये तीन ये फिर चार हो गया और वाई पे कितने की जरूरत थी प्यारे बच्चों वाई पे कितने की जरूरत थी तीन की तो ये एक हो गए ये आपके दो हो गए और ये आपके कितने हो गए तीन हो गए ठीक ध्यान से देखिए अब क्या है प्यारे बच्चों कि पहला एक्स पे चार है और वाई पे कितना है जीरो है तो एक्स पे चार वाई पे जीरो तो यहीं पर ये पॉइंट मिलेगा प्यारे बच्चों जहां पर एक्स भी चार है और वाई क्या है जीरो है ठीक अगला पॉइंट का है एक्स पे तीन और वाई पर भी तीन तो x पे तीन y पे तीन यहां पर है देख रहे हैं तो यानी x पे तीन y पे तीन अगर हम डैश डैश करके मिलाना चाहे तो ये यह यहाँ तक आएगा ये ये वाला जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों ये तीन और क्या हो जाएगा तीन हम इस लाइन को क्या कर देंगे स्केल की सहायता से मिला देंगे प्यारे बच्चों ठीक इस लाइन को आप मिला दिए अगला ध्यान से देखिए अगला क्या कर एक्स पे जीरो है वाई पे टू है

तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो बना दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों ये देखिए ये आपका क्या है ट्रेंगल है इसका नाम देना चाहो ए ये बी ये क्या हो जाएगा सी तो ये आपका ट्रेंगल बनता है प्यारे बच्चों आगे प्रश्न में आपसे कह रहा था आपने अगर प्रश्न पढ़ा होगा तो प्रश्न क्या कह रहा था प्यारे बच्चों कि जो कि यक्ष अच्छे से बनाती है आगे कह रहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था अभी पर यहाँ पर प्रश्न खत्म नहीं अभी तक तो समझ में आया ना प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा इसका क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या हो जाएगा निर्देशांक कौन कौन दिया ध्यान से देखिए ए का निर्देशांक है चार का मा जीरो बी का निर्देशांक है तीन का मा तीन और सी का निर्देशांक है प्यारे बच्चों जीरो और दो ठीक ये देखिए ये पहला एक्स वन इसका दूसरा एक्स टू होता है ये एक्स थ्री होता है ये वाई वन होता है प्यारे बच्चों ये आपका वाई टू होता है ये आपका वाई थ्री होता है फार्मूला हम जानते हैं प्यारे बच्चों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है एक बटे दो X1 होता है, फिर वाई टू माइनस वाई थ्री अगर आपको अभी तक फार्मूले नहीं याद हैं प्यारे बच्चों तो फार्मूला जरूर याद कर लीजिए क्योंकि फार्मूला आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा फिर एक्स टू होता है फिर वाई थ्री माइनस वाई वन होता है फिर एक्स थ्री होता है फिर वाई वन माइनस वाई टू प्यार बच्चों ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जब बिंदु हो निर्देशांग दिए हो प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखना आप केवल वैल्यू रखनी है बस और हल करना एक बटे दो तो एक्स वन की वैल्यू कितनी पैर बच्चों चार है और वाई टू की वैल्यू तीन है और वाई थ्री की वैल्यू दो है तो तीन माइनस कितना हो हो जाएगा जाएगा और की वैल्यू तीन है आगे क्या वाई थ्री थ्री पैर बच्चों दो है और वाई वन जीरो है तो दो माइनस जीरो हो जाएगा फिर एक्स थ्री जीरो है, है तो आगे कुछ भी आएगा पैर बच्चों में कुछ भी रखोगे तो जीरो का गुना कर दोगे तो जीरो हो ही जाएगा उससे मतलब है ही नहीं हमसे आगे आ गया एक बटे दो यहाँ तीन में से दो घटाएंगे तो एक आएगा चार का गुना एक में करेंगे, चार ही आएगा तीन दुनिया कितना हो जाएगा छह और छह चार दस दस, दस बटे दो कर देंगे प्यारे बच्चों तो पांच वर्ग इकाई आ जाएगा इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये जो सवाल था वो पूर्ण रूप से क्या होता है कंप्लीट होता है आप देखिए से यहां से शुरुआत हम लोग प्यारे बच्चों और यहाँ से ये यह आ आदमी ठीक ऐसे ऐसे है तो उम्मीद है कि आपको भी ये तक सवाल समझ में आया होगा पहला सवाल तो चलिए अब हम सेकंड प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा आइए हम उसको देखते हैं तो गाइज स्क्रीन पे आपके जो दूसरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा वो क्या करा कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल पांच किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी तीन सौ साठ किलोमीटर दूरी तय कर लेती रेलगाड़ी तीन सौ साठ किलोमीटर की दूरी तय करने में आगे क्या कर रहा बच्चों तय करने में एक घंटा कम समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है सवाल को एक बार पूना पड़िएगा कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल पाँच किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी तीन सौ साठ किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटा कम समय लेती है यदि वह रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा मीठा सा प्रश्न है ध्यान से समझना पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये कोई रेलगाड़ी हो गई प्यारे बच्चों और जो कि यहाँ से यहाँ से ए से चलती है और बी तक जा रही बच्चों जहां की दूरी 360 किलोमीटर है अब ये रेलगाड़ी ऐसे करके ये रेलगाड़ी है प्यारे बच्चों ध्यान देखिए ठीक ये रेलगाड़ी थी अब यहाँ से यहाँ तक जा रही थी अब इसकी चाल कितनी थी वो नहीं पता है तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो एक्स है एक तो आपको वर्ड अच्छे अच्छे लिखने हैं एकदम साफ सुथरा लिखना है प्यारे बच्चों बस माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है प्यारे बच्चों एक्स किलोमीटर प्रति प्रतिहावर है एक्स किलोमीटर प्रति प्रतिहावर ठीक अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों करा कि अगर इसकी चाल में पांच किलोमीटर बढ़ा दू चाल इसकी क्या कर दू पांच किलोमीटर पांच किलोमीटर बढ़ा दू तो प्यारे बच्चों ये जो दूरी है तीन सौ साठ किलोमीटर दूरी ये जो है एक घंटे कम समय में तय कर लेती है अगर मान लीजिए पहले ये जितना चाहे जिस चाल से चल रही हो अब जितना पहले समय लिया था उससे एक घंटे जैसे मैंने कहा कि अगर ये पांच किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से चल रही थी तो दस घंटे का समय लेता था और जब पांच और बढ़ा दिए दस कर दिए तो ये जो है द, द, पा, आ, पा, कितने घंटे टाइम ले रहा था देखो प्यारे बच्चों एक बार फिर से क्लियर कर लो अगर ये जो रेलगाड़ी है अगर दस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और बीस घंटा टाइम ले रहा था अगर मैं पांच और बढ़ा दूंगा तो कुछ कम हो जाएगा ना समय प्यारे बच्चों तो यही प्रश्न समझना है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है तब लिया गया समय क्या होगा तब के द्वारा लिया गया जो समय है वो ध्यान दीजिए तब समय कितना होगा समय बराबर होता है दूरी बटी कितना होता है प्यारे बच्चों चाल होता है तो ध्यान से देखना है बस केवल ध्यान से देखो दूरी कितनी है प्यारे बच्चों तीन सौ साठ है और चाल कितनी है प्यारे बच्चों एक्स है ये आप चाहो तो समय को टी वन मान लो प्यारे बच्चों टी वन इक्वल टू तो कितना हो जाएगा तीन सो साठ क्या हो जाएगा एक्स समीकरण नंबर क्या हो जाएगा एक क्या इतनी बातें क्लियर हुई अब हम जब प्रश्न अनुसार जब रेलगाड़ी की चाल बढ़ा देते हैं यानी पांच किलोमीटर प्रति चाल बढ़ाने पर क्या प्यारे बच्चों चाल बढ़ाने पर रेलगाड़ी का चाल तो रेलगाड़ी का जो चाल होगा वो कितना हो जाएगा भाई पहले दस चल रहा था पांच बढ़ा तो पंद्रह हो गया पहले यक चल रहा था पांच बढ़ गया तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस पांच हो जाएगा ना तो x प्लस पांच हो गया ठीक अब क्या होगा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों अब तब समय क्या होगा तब समय मान लेते हैं प्यारे बच्चों तब समय t2 मान लेते हैं इक्वल टू होगा दूरी दूरी तो वही है तीन चाल बढ़ गई x प्लस कितने हो गए पांच हो गए समीकरण नंबर क्या हो गए दो बोल रहा था कि ये ये इतना समय जब चाल एक्स था और इतना समय तब लगा जब चाल एक्स प्लस, प्लस पांच हो गए दोनों का अंतर एक घंटे के बराबर है ना कि ये एक घंटा ज्यादा लेता है ये एक घंटा कम ले रहा समय प्यारे बच्चों तो प्रश्न अनुसार जो दोनों का अंतर है वो एक घंटे के बराबर है ना तो ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा टी वन माइनस टी टू बराबर कितना है एक वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों टी वन की वैल्यू कितनी है तीन सौ साठ बटे कितना है एक्स देखिए ये तीन सौ साठ बटे एक्स माइनस टी टू की वैल्यू कितनी है तीन सौ साठ बटे एक्स प्लस कितना पांच इक्वल टू एक बटे एक कर लेना अब इन दोनों का लस ले लीजिए इन दोनों का प्यारे बच्चों लस लेंगे तो एक कोष्टक में एक्स आएगा एक कोष्टक में एक्स प्लस, प्लस पांच आएगा इनका गुणा हम यहाँ कर देते हैं प्यारे बच्चों परंतु गुणा करने से पहले आप देखिए दोनों में तीन सौ साठ कामन है तो ज्यो तीन सौ साठ कामन लोगे प्यारे बच्चों यहाँ एक्स प्लस, प्लस पांच आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा ठीक इक्वल टू एक बटे एक इनका गुणा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स से एक यक कैंसिल हो जाएगा पाँच का गुणा यहाँ कर देते हैं पाँच जीरो में जीरो पाँच छक्के तीस पाँच तेईस पंद्रह तीन अट्ठारह ठीक अट्ठारह सौ बराबर यहाँ इनका गुणा यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा पाँच एक्स एक बार आप ध्यान से देखिए इनका इनका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इनका इनसे गुणा करके यहाँ एक से कर दिए ठीक देखिए ये प्लस अट्ठारह उधर जाएगा प्यारे बच्चों इक्वल उधर जाएगा, जाएगा? जाएगा, क्या जाएगा? तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस पाँच एक्स ये प्लस अट्ठारह सौ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस अट्ठारह सौ इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो अब ध्यान देना इसी का हमको क्या करना फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों इनका हम गुणनखंड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उनको मिल जाएगी प्यारे तो प्यारे बच्चों जब हम इनका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा गुणनखंड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस पैतालीस एक्स माइनस चालीस एक्स यानी जब हम इनमें से पैंतालीस और चालीस का गुणा करेंगे तो अठारह सौ आएगा इन दोनों से माइनस करेंगे तो पांच एक्स आएगा अठारह सौ इक्वल टू जीरो में कॉमन क्या है यहां पर प्यारे बच्चों दोनों में कॉमन है क्या कॉमन है एक्स तो एक्स प्लस कितना जाएगा? 45 आ जाएगा पैंतालीस आ जाएगा यहाँ से दोनों में माइनस कॉमन है प्यारे बच्चों और कॉमन क्या है चालीस कामन है कामन क्या कॉमन है चालीस यहाँ एक्स बचेगा अगली क्वेश्चन में पैंतालीस बचेगा इक्वल टू जीरो

चाल चालीस किलोमीटर प्रति प्रतिहावर था क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों इस प्रकार हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ये वही सभी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं वो भी आठ नंबर के वाले प्रश्न में प्यारे बच्चों तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को मेहनत करके पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर तीन का तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है क्या कर रहा है एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो चार किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब शांत जल में नाव की चाल दिया गया है शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की जो चाल है वो आपको दिया गया है कितना है प्यारे बच्चों चार किलोमीटर प्रति घंटा ठीक आगे कर रहा है कि नाव की धारा की दिशा में बारह किलोमीटर मतलब दूरी आपको दिया गया है दूरी कितना है प्यारे बच्चों बारह किलोमीटर है आगे क्या कर रहा है कि तय आगे कह रहा है जाने पर और फिर उसी स्थान पर लौटने में कुल समय आठ घंटा लगता है तो कुल समय दिया है कुल समय आपको दिया है आठ घंटे कितना है प्यारे बच्चों आठ घंटे ना आगे करा तो धारा की चाल तो धारा की चाल x मान लेते हैं बच्चों धारा की चाल आपको ज्ञात करना है ध्यान देना तो धारा की जो चाल है वो हम x मान लेते हैं प्यारे बच्चों वही आपको फाइंड आउट करना है ध्यान से देखिए इतनी बात ही क्लियर हो गई तो हमको करना क्या देखो हमने पढ़ा धारा की दिशा में जो चाल होती जुड़ जाती है धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाती है तो धारा के विपरीत धारा के या धारा की दिशा में धारा की दिशा में बारह किलोमीटर दूरी तय करने में बारह किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय प्यार बच्चों बारह किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय का जो फार्मूला होता है समय बराबर होता है प्यारे बच्चों दूरी बटे चाल समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो T1 मान लेते हैं बराबर दूरी दूरी कितनी है बच्चों है चाल कितना है? धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में ये दोनों चाले आपस में जुड़ जाएंगी बच्चों तो फोर प्लस एक्स हो जाएगा यही चीज अगर हम लिखें धारा के विपरीत दिशा की बात करें तो धारा की विपरीत दिशा में कौन सी दिशा में प्यारे बच्चों विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में बारह किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय तो T2 मान लेते हैं T2 बराबर दूरी दूरी कितना है, है। और चाल चाल कितना है चाल है बच्चों जो वो हो जाएगी क्योंकि धारा के विपरीत है तो ये दोनों चाले माइनस हो जाएंगी अब प्रश्नानुसार अगर सवाल पे ध्यान से समझिए तो प्रश्नानुसार सवाल आपसे क्या कर रहा था कि ये दोनों समय आगे करा कि दोनों मिलकर आठ घंटे हैं कुल समय अर्थात t1 वन प्लस टी इक्वल टू, टू कितना प्यारे बच्चों आठ घंटे हैं अब t1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से तो बारह बटे कितना हो जाएगा फोर प्लस एक्स टी की वैल्यू कितनी होगी ट्वेल्व बटे फोर माइनस एक्स इक्वल एक टू कितना हो जाएगा एक ऊपर से प्यारे बच्चों यहाँ से बारह क्या है कॉमन है यहाँ से बारह कामन है क्या हो जाएगा ऊपर यहाँ एक बटे चार प्लस एक्स बच जाएगा यहाँ पर एक बटे चार माइनस एक्स बच जाएगा चार माइनस एक्स ध्यान से देखिए इक्वल टू यहाँ आठ है चार त्याई बारह चार दूनी आठ ये हो जाएगा यहाँ अब देखिए इन दोनों का लह स ले लेते हैं प्यार इन दोनों का लह स लेंगे तो एक कोष्टक में चार प्लस एक्स आएगा और एक कोष्टक में चार माइनस एक्स आएगा ठीक इतनी बातें क्लियर हुई और देखिए इनका गुणा यहाँ कर देंगे तो चार माइनस एक्स होगा इनका गुणा यहाँ करेंगे तो चार प्लस एक्स होगा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू ध्यान से देखिए तीन चौके बार चार चार आठ यहाँ तीन ऊपर कितना है प्यारे बच्चों आठ है और ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी चार का वर्ग यानी सोलह बी के स्थान पे एक्स तो सोलह माइनस एक्स स्क्वायर ठीक इक्वल टू कितना हो जाएगा दो देखिए ध्यान से दो चौके कितना हो जाएगा आठ तो तीन चौके बारह तो बारह बटे कितना आ जाएगा पेर बच्चों सोलह माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एक हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बारह इक्वल टू तो आ जाएगा सोलह माइनस एक्स स्क्वायर ये सोलह इधर आ जाएगा तो बारह और इधर आएगा कितना हो जाएगा पैर बच्चों माइनस सोलह इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर देखिए अब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा तो 12 में से 16 घटा देंगे तो माइनस चार आएगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा एक्स आ जाएगा ठीक अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस दो आएगा परंतु हम प्लस ही वैल्यू लेंगे तो इसलिए माइनस आपका अमान्य हो जाएगा तो एक्स किलोमीटर प्रति आवर तो धारा की जो चाल थी प्यारे बच्चों वो दो किलोमीटर प्रति हावर प्राप्त हुई इस प्रकार आप तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं जो कि नंबर के में, आपके में बार है। तो प्यारे चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या करा त्रिभुज के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों ये आपके त्रिभुज के अध्याय से लिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आपके आठ नंबर में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है तो ध्यान से दिखेगा और बच्चा पार्टी लोगों का ये खास सूचना है वो लोग कहते हैं सर जी बहुत कम समझ में आता है ये सवाल ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों समझ में आएगा ध्यान से देखना बस तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों कि आप ट्रेंगल को स्केल का प्रयोग करते हुए बनाएंगे जिससे कि ट्रेंगल की हर एक लाइनें अच्छे से बने ठीक ये ट्रेंगल बना लेंगे पहले बच्चों ये देखिए ठीक ये ट्रेंगल बन गया ट्रेंगल का नाम दे दीजिएगा नाम देना चाहो तो इस ट्रेंगल का नाम पी क्यू और क्या दे दीजिएगा आर ठीक ये कोई सम जिसका क्यू क्या है समकोण है तो पहले बच्चों एग्जाम में लिखना कैसे ध्यान दे देखा माना कोई त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है ठीक ये आपको दिया है ये आपको दिया है कि कोड क्यू जो है वो आपका समकोड़ अर्थात नब्बे है और सिद्ध क्या करना है बच्चों वो ध्यान देना है आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है वो ध्यान देखिए सिद्ध करना है बड़ी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा कौन है पी आर है का वर्ग शेष दो भुजाएं शेष दो भुजाएं कौन एक पी क्यू का वर्ग और एक कौन है QR का वर्ग का योग आपस में क्या होता है बराबर होता है ये चीज सिद्ध करने के लिए बोला बिल्कुल आसानी से सिद्ध करेंगे उसके लिए प्यारे बच्चों हम एक रचना करेंगे एक उत्पत्ति करेंगे वो ये है इस बिंदु का नाम देंगे एस यहाँ भी नब्बे अंश का कोण होगा यहाँ पर भी यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों की रचना में हमने क्या लिखा कि ये जो क्यू एस है क्यूएस एक लंबवत रेखा पी आर पर एक लंबवत रेखा क्यू एस खींचा तो रचना में लिख दीजिएगा कि रचना में क्या लिखना है प्यारे बच्चों क्यू एस क्या क्यू एस एक लंबवत रेखा एक लंबवत रेखा एक लंबवत रेखा पी आर पर खींचा पी आर पर खींचा क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों अब आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो बड़ा त्रिभुज है पी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर अगला पी क्यू एस या त्रिभुज पी एस क्यू तथा त्रिभुज पी एस क्यू एक दूसरे के क्या है समरूप हैं एक दूसरे के क्या है प्यार समरूप हैं एक दूसरे के समरूप हैं तो ये एक दूसरे के समरूप हैं समरूप का मतलब होता है प्यारे बच्चों कैसे आपने मान लिया कि समरूप है सबसे पहला प्यारे बच्चों कि इसका एक एंगल ये ये भी नाइन्टी है इसका एक एंगल ये भी बड़े वाले में भी एक एंगल नब्बे है और छोटे वाले में भी एक एंगल नब्बे है और इसकी ये एक भुजाएं उभयनिष्ठ है पी क्यू बड़े वाले में भी है छोटे वाले में इसलिए ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज एक दूसरे के क्या है समरूप तो समरूप है प्यारे बच्चों तो समरूपता का नियम कहता है कि भाई दोनों त्रिभुज दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात आपस में इक्वल होगा तो ध्यान से देखिए ये जो पी क्यू और पी क्यू और पी एस का अनुपात क्या हो जाएगा तो पी क्यू अपान कितना हो जाएगा पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपान पी क्यू पी आर अपान क्या हो जाएगा पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों अगर पूरी क्लास डिटेल में चाहिए तो आपको इस चैनल पे उपलब्ध है आप वहां से देख सकते हो तो इनका इनका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा पी क्यू का वर्ग आ जाएगा इनका इनका गुणा कर देंगे तो पी आर इन कितना हो जाएगा पी एस इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा दिख नहीं रहा क्या प्यारे बच्चों चलिए ध्यान से दिखे, देखिए अब दिखेगा थोड़ा सा ये देखो चलो अब क्या करते हैं इतनी बातें क्लियर हो गई अब हमको अगले पार्ट में क्या देखना है अगले पार्ट में हमको ये से समझना अगला है छोटा वाला जो चित्र अभी हमने बनाया था ये एक बार देख लीजिए फिर से तो छोटा वाला त्रिभुज कौन है पी एस क्यू नहीं आर एस क्यू आर एस क्यू या क्यू एस आर और बड़ा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लेना है छोटे वाले वाला तो देखिए चित्र आप देख लिए ना तो अब हाँ क्या लिख रहे हैं पहले बच्चों ध्यान से लिखिए ट्रेंगल क्या लिखेंगे ट्रेंगल पी क्यू आर यानी बड़ा तथा छोटा वाला कौन था छोटे वाले का क्या नाम था प्यारे बच्चों क्यूएसआर त्रिभुज क्यूएसआर एक दूसरे के क्या है समरूप है एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चों समरूप है अब आप ये बताओ जब ये एक दूसरे के समरूप है समरूपता का नियम यहाँ पर भी लगेगा यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों तो ध्यान से रखिए क्या लिखेंगे आर क्यू आर क्यू बटे आर एस छोटे वाला का कह रहे हैं RQ RS, तो छोटे वाले से RQ RS, और बड़े वाले त्रिभुज का क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा पी आर यानी हाइपोटेनस और अगला क्या हो जाएगा पी क्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ एक मिनट एक मिनट यहाँ पी क्यू पी क्यू दोनों कैसे आ गए यहाँ देखिए यहाँ आर क्यू होना चाहिए ठीक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू का वर्ग आ जाएगा इक्वल टू इनका इनका गुणा कर देंगे तो पी क्यू गुणे क्या आ जाएगा आर एस इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण एक और दो को जोड़ देते हैं देखिए समीकरण एक और दो को जोड़ते हैं तो समीकरण एक प्लस दो से तो ध्यान से देखिएगा समीकरण दो दिख रहा है समीकरण एक यहाँ पर है इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो पी क्यू का वर्ग प्लस किसका वर्ग आर क्यू का वर्ग इक्वल टू यहाँ आ जाएगा पी आर इंटू पी एस अगला आ जाएगा पी क्यू इंटू आर एस अब ध्यान से देखिए ये जो पी आर इंटू पी एस है ये मिलके क्या हो रहे हैं चलिए चित्र के पास देखिए सब सारी चीजें चित्र से समझना है हमको देखिए पी आर इंटू पी एस तो देखिए पी देखिए प्यार बच्चों यहाँ पर इतने और इनमें इनमें दोनों में से कुछ कामन है क्या कामन है वो आपके पास क्या कामन है प्यार बच्चों यहाँ पी आर और पी एस है यहाँ पर कितना है पी क्यू यहाँ 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 थोड़ा सा देखिए यहाँ आर आना चाहिए क्योंकि ये आपकी हाइपोटेनस है ये बड़े वाले त्रिभुज की जो हाइपोटेनस थी वो पी आर थी तो यहाँ आ जाएगा पी आर क्या आ जाएगा पी आर इंटू आर एस तो वही चीज यहाँ भी आ जाएगा पी आर इंटू आर एस ठीक तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों दोनों में आपका कॉमन पी आर है यहाँ बचेगा पी एस प्लस कितना आर एस ठीक अब ये जो पी एस प्लस आर एस है इसको चित्र में देखिए ध्यान से देखिए चित्र यहाँ है देखिए पी एस प्लस आर एस देखिए यहाँ पर पी एस प्लस आर एस मिलकर पी आर ही हो रहा है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा प्यार बच्चों ये पी आर ही होगा तो पी आर गुणे क्या हो जाएगा पी आर इन दोनों का गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा पी क्यू प्लस आर क्यू का वर्ग पी क्यू प्लस आर क्यू का क्या हो जाएगा वर्ग इस प्रकार प्यारे बच्चों हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं जो आपको प्रूव करना था ठीक देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना बस यहाँ से मिस्टेक हो गया था इसलिए से थोड़ा सा आंसर में दिक्कतें आ रही थी अब देखिए ठीक प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करा आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा करा कि जो कि पांचवा नंबर है ना करा कि एक पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण चोटी के छैतीस तल पर डाले गए लंब पद से खींचे गए छैतीस खींची गई छैतीस के दो बिंदुओं से 45 और तीस अंश का क्या करता है दो बिंदुओं से 45 और तीस अंश का कोण है तो उन बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए यदि चोटी की ऊंचाई पचास मीटर हो ध्यान से सवाल को समझिएगा बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये कह रहा कि ये कोई चोटी हो गई जिसकी ऊंचाई, ठीक ये चोटी हो गई जिसकी ऊंचाई कितनी है प्यार बच्चों पचास मीटर ये आपको दिया है पहले से ठीक आगे कह रहा अगर नाम इसका देना चाहो तो ए दे सकते हो और ये बी अगर इस पे डाली गई लंबवत कोई पाद लंबवत कोई पाद इस पे हम एक लंबवत क्या कर देते हैं पाद डाल देते हैं पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा तो ये हम लोग इसमें एक लंबवत क्या कर देते हैं पाद डाल देते हैं यानी लंबवत एक रेखा खींच देते हैं ध्यान से देखिए अब यहाँ से क्या करा कि यहाँ से कोई दो बिंदु है कोई दो बिंदु है वो दो बिंदु कौन कौन हो सकता है एक डी हो जाए और एक कौन हो जाए सी ठीक अब इन दोनों बिंदुओं से यहां से एक का उन्नयन कोण तीस है एक का उन्नयन कोण कितना है पैरवे पैतालीस तो जो इसका उन्नयन कोण है बी और सी को मिला देते हैं तो उसका उन्नयन कोण कितना है पैरवे तीस अंश है तो बी और सी को मिलाते हैं ध्यान से दिखेगा इसका उन्नयन कोण कितना है तीस और यहीं से बी को डी से मिलाया गया तो वहां कितना है पैंतालीस ठीक ये देखिए ये दो बिंदु थे छैतीस तल पे दो बिंदु थे एक बिंदु के साथ तीस अंश का एंगल बन रहा था

माना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक्स है ये लिख देना है आपको माना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी माना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक्स मीटर दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना प्यारे बच्चों एक्स मीटर है ध्यान से देखिए यही आपको ज्ञात करना तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना है दोनों त्रिभुज को आप आराम से हल कर लीजिए आपके आंसर आ जाएंगे प्यारे बच्चों वो दो त्रिभुज कौन है बी ए डी त्रिभुज बी ए डी में त्रिभुज बी ए डी में ध्यान से देखिएगा जो एंगल है वो 45 का है यहाँ आपको लंब है आधार नहीं पता तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार तो लंब और आधार किस में आता है पहले बच्चों टेन थीटा में तो थीटा के स्थान पे टेन पैंतालीस है लंब कौन है आपका ए बी है और आधार कौन है प्यारे बच्चों ए डी है चलिए वैल्यू रखते हैं टेन पैंतालीस की वैल्यू क्या होती एक होता है और ए बी की वैल्यू कितनी है पचास क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई एडी की वैल्यू आ जाएगी पचास मीटर कितना आ जाएगा एडी की जो वैल्यू आएगी पचास मीटर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो यहां तक बातें क्लियर हो गई अब हमको एक त्रिभुज और दिखाई पड़ा पर बच्चों बी ए सी जहां से तीस का एंगल बन रहा था तो बी ए सी तो त्रिभुज में।, तो में क्या हो जाएगा पर बच्चों एंगल तो वही है थर्टी यहाँ देखो थर्टी है परंतु तो इस बार जो आधार है ना वो यहां से लेके यहाँ तक हो गई मतलब ए डी प्लस एक्स डी प्लस एक्स हो जाएगा इस बात को ध्यान देना आपको बस तो त्रिभुज बी ए सी में क्या हो जाएगा टेन तीस बराबर लंब लंब वही है आपका वही जो ये है ए से लेके बी तक वाला तो लंब आपका ए बी हो गया और आधार कौन हो जाएगा ध्यान आधार है ए डी प्लस डी सी तो ए डी प्लस कितना हो जाएगा डी सी चलिए वैल्यू रखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी एक बटे कर में तीन आएगी चलिए टेन तीस का जो वैल्यू है वो एक बटे कितना है करडी में तीन ए बी की वैल्यू आपको प्रश्न में पहले से दिया है ए बी की वैल्यू कितनी है पचास ठीक ए डी ए डी भी आपने पचास ज्ञात ही किया है पचास प्लस डी सी डीसी की वैल्यू आपको नहीं पता वही ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा प्यार बच्चों पचास प्लस डी सी ठीक इक्वल इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो पचास कर में आ जाएगा तीन ठीक ये प्लस पचास उधर जाएंगे तो माइनस पचास होगा प्यारे बच्चों तो डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा पचास कर डी में तीन ये प्लस पचास उधर जाएंगे तो माइनस पचास हो जाएगा दोनों में कॉमन क्या है पचास कॉमन है तो दोनों में हम पचास कॉमन लेंगे यहाँ अंडर वीन बचेगा यहाँ कुछ नहीं बचा एक बचा है तो प्यारे बच्चों इस प्रकार दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी थी वो आपको ये मिलता है देखिए कितना आसान सा प्रश्न है केवल आठ नंबर का अपवाह है प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की आइए ध्यान से देखते हैं छठा नंबर क्या कर रहा है बच्चों समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमन पूर्ण 30 और 45 है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज तथा दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जाती थी बहुत ही आसान सा प्रश्न है जैसे कि अभी आपने पांच सवाल जो लगाया उसी के सेम टू सेम है देखिए सबसे पहले क्या करा एक ऊंची लाइट हाउस है तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक रेखा खींचेंगे और मान लेंगे प्यार बच्चों की ये ऊंची लाइट हाउस है ठीक ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई दी गई है कि आपको ज्ञात करना दी गई है प्यार बच्चों तो जो कि पचहत्तर मीटर ऊंचाई है कितनी है पचहत्तर मीटर ऊंचाई है इसकी अगर नाम देना चाहो दे दो ए और क्या दे दो बी आगे कह रहा है कि हाँ कहा गया भाई हाँ कह रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अनुमान को तीन सौ पैतालीस है दोनों दो जहाज हैं दो समुद्री जहाज हैं प्यारे बच्चों तो ये मान लेते हैं कि ये समुद्र का जल है ये समुद्र का जल है ये हाँ और यहाँ पर नावें चल रही हैं यहाँ से प्यारे बच्चों नावे चल रही है थोड़ी सी ये लाइन ऐसे कर लीजिए ये एक नाव हो गया ये एक नाव हो गया और सेकंड वाला जो नाव है वो आपका यहाँ चल रहा है थोड़ा सा लाइन ऐसे ना ये दो नाव हो गई ये दो नावें हो गई एक से यहाँ यहाँ से देखने पर आनमन कोड होता है ऊपर से जब आप नीचे देखते हो प्यारे बच्चों तो यहाँ से जब आप देखोगे तो इसके साथ जो है तीस अंश का ऑनमन कोण बन रहा है तीस अंश का क्या बन रहा है प्यारे बच्चों ऑनोमन कोण बन रहा है ठीक तो ये वाला ऑनोमन कोण ये तीस तो कोण होने के कारण ये तीस जो है यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है इतना ही एंगल ये भी होता है प्यारे बच्चों ये ध्यान देना ये कोई नाव हो गई आगे कर रहा प्रश्नों में कि दोनों नावे एक दूसरे के आगे पीछे हैं तो देखिए ये आगे है ये पीछे है। इन दोनों नाव के बीच की जो दूरी है वो x मान लेते हैं दोनों नावे के जो बीच की दूरी है वो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं ध्यान से अब इस नाव से जो अनुमान है वो कितना हुआ है जानते हैं 45 डिग्री का एंगल कितना प्यार बच्चों 45 डिग्री का तो टोटल यहां से लेके यहाँ तक एंगल जो है पैंतालीस डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा पैंतालीस डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों इनको हम मिला देते इस प्रकार ठीक अब आपसे आपके प्रश्न पूछा है क्या पूछा है प्यारे बच्चों दोनों जहाजों के बीच की दूरी तो आपने एक्स मान ही लिया है तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं सवाल उम्मीद है कि आपको डायग्राम जरूर समझ में आया होगा तो चलिए माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी एक्स है वही सेम सेम पहले और इसके पहले वाला सवाल है जैसे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी प्यारे बच्चों बीच की दूरी एक्स है दूरी कितनी है बच्चों x है चलिए अब हम एक बार त्रिभुज हल करेंगे छोटे वाले इस वाले का नाम दे देते हैं D ठीक यहाँ पर पॉइंट का नाम D दे, दे देते हैं तो त्रिभुज बी ए डी में त्रिभुज बी ए डी में जो एंगल है वो पैंतालीस का है बच्चों टेन पैंतालीस हो जाएगा लंब लंब वही आपका ए बी और लंब ए बी है और आधार कितना प्यारे बच्चों ए डी है चलिए इसकी वैल्यू एक होती है प्यारे बच्चों टेन पैंतालीस अंश की वैल्यू एक होती है और ए बी की वैल्यू पचहत्तर और ये ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भाई ए डी की वैल्यू आ जाएगी पचहत्तर मीटर कितना आ जाएगा पचहत्तर मीटर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक ये ए डी आ गई इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज हल करेंगे जो कि बी ए सी है ठीक त्रिभुज बी ए सी में तो अगला क्या लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में फिर से वही एंगल लगाएंगे टेन कितने एंगल बना था तीस, तीस बराबर क्या होगा पैर बच्चों लंब बटे आधार चलिए चित्र की तरफ चलते हैं लंब क्या है लंब तो वही है ए और बी परंतु आधार इस बार ए डी और डी सी है चलिए तो लंब आपका वही है प्यारे ए बी है आधार है ए डी प्लस कितना DC वैल्यू रखते हैं वैल्यू कितनी है एक बटे कितना पैर बच्चों में तीन और ए बी ए बी की जो वैल्यू है वो सेवनटी फाइव थी आपकी पहले से ही और ए डी ए डी भी आपका वही आया सेवनटी फाइव प्लस डी सी आपको ज्ञात करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों तो पचहत्तर प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों डी सी और वहाँ हो जाएगा पचहत्तर अंडर तीन देखिए इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया है ठीक अब प्लस पचहत्तर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो डीसी बच्चों पचहत्तर दोनों में कॉमन क्या है पचहत्तर बचा कौन अंडर तीन माइनस कितना एक मीटर ये आगे प्यारे बच्चों डीसी की वैल्यू ये रहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी ऐसे ही आपको निकालना है प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न इस चैप्टर से आता है और बहुत ही अच्छा नंबर देके जाएगा ध्यान से तो सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या करा कि आठ सेंटीमीटर एक रेखा खंड ए बी खींचिए ए को केंद्र मानते हुए चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और बी को ध्यान से देखिए और कर रहा है कि बी को केंद्र मानते हुए तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचिए प्रत्येक वृत्त पर एक प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के से स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए और रचना के पद भी लिखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त सवाल है एग्जाम में आपके श्योर है ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक पूछना ही पूछना है प्यारे बच्चों ये आपके लिए लाए हैं प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझना तो तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम स्केल के माध्यम से आठ सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचेंगे तो दिख रहा है आपको कैमरे में सारा चीजें दिख रहा है प्यारे बच्चों तो चलिए ध्यान से देखिए देखिए जीरो से रखकर आठ सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचना है ध्यान से देखिए ये जीरो से रेखा खंड हमने खींचा ये सात पहुंचे फिर ये आठ ठीक थोड़ा सा यहाँ ये यहाँ से देखिए थोड़ा सा आठ सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचना है जिसका नाम आपको क्या रखना है ए बी तो ये ए रख दिए और ये क्या कर दिए बी देखिए पैर बच्चों रचना के पद एक मैंने इस अध्याय को पढ़ाया नहीं था ना तो इसलिए मैं आपको पूरा डीपली बता रहा हूं पैर बच्चों को रचना के चरण में क्या लिखना रचना के पद में क्या लिखना ऐसे जैसे जैसे आप करते जाइए वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए रचना के पद रचना के पद में सबसे पहला पॉइंट सर्वप्रथम सर्वप्रथम आठ सेंटीमीटर का आठ सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, क्या प्यारे बच्चों एक रेखाखंड बी खींचा एक रेखाखंड ए बी खींचा ध्यान से देखिए एक रेखाखंड बी खींचा पहला पद आपने यही किया था सेकंड आपको क्या करना था कि कह रहा प्यार बच्चों प्रश्न को पढ़िए ध्यान से करा कि ए को केंद्र मानते हुए चार सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे तो प्यार बच्चों ए को केंद्र मानेंगे ये देखिए केंद्र ये रखा पहले चार सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप तो ले ले देखिए ये चार का लाइन है ये देखिए प्यारे बच्चो तो लगभग चार सेंटीमीटर है ना तो ध्यान से देखिए अब हम क्या करेंगे ए को केंद्र मानते हुए चार सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त बनाएंगे प्यारे बच्चों। पेंसिल तो आप बड़ी बाओ कैमरा चार सेंटीमीटर त्रिज्या अभी तो। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए थोड़ी सी यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं चार सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर एक क्या बना रहे हैं वृत्त बना रहे हैं वो भी ए को केंद्र मानते हुए ए को केंद्र मानते हुए हम लोगों ने क्या किया चार सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त एक बना रहे हैं ध्यान देखिए अब यहाँ तक अधूरा कर दिए ये उसके बाद इधर कंप्लीट करेंगे हम लोग ये वाली चित्र इधर कंप्लीट कर रहे हैं तो बच्चों आपने क्या कर लिया कि ए को केंद्र मानते हुए चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया ये यहां से लेके यहाँ तक चार सेंटीमीटर हो गया ठीक ध्यान से देखिए यहाँ तो ये भी लिख सकते हो रचना के पद में दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ए को केंद्र मानते हुए ए को केंद्र मानते हुए बहुत ही बहुत सरल प्रश्न है प्यारे बच्चों ए को केंद्र मानते हुए ना ए को केंद्र मानते हुए चार सेंटीमीटर त्रिज्या का चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया एक वृत्त बनाया ध्यान से यहां तक आपकी बात एक कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया है तीसरा पद तीसरा पद वो करा रहा है कि बी को केंद्र मानते हुए तीन सेंटीमीटर का वृत्त भी लिख देते हैं बी को केंद्र मानते हुए तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बनाया एक दूसरा वृत्त बनाया ठीक ध्यान से देखिए चलिए अब बी को केंद्र मान के तीन सेंटीमीटर का मुझे त्रिज्या का वृत्त बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे तीन सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे देखिए ये तीन सेंटीमीटर का क्या लगा लिए चाप ठीक ठीक अब क्या करेंगे बी को केंद्र मानते हुए तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बनाएंगे ये बी हो गया ठीक क्या करेंगे तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर वृत्त बनाएंगे ठीक देखिए थोड़ा सा ठीक आप लोग सही से बनाइएगा गड़बड़ नहीं होना चाहिए हम तो थोड़ा सा ये ठीक ये देखिए प्यारे बच्चों आपने तीन सेंटीमीटर का बी को केंद्र मानते हुए एक क्या बना ब्रित बना दिए दिए वृत्त तो यहां भी आप ये लिख सकते हो कि ये तीन सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक ठीक हो गई नहीं यहां तक बातें क्लियर हुई अब हम प्रश्न भी चल रहे प्यारे बच्चों प्रश्न आपसे क्या करा ध्यान से देखिए प्रश्न में आगे करा कि तीस बी को केंद्र मान खींचे उसके बाद प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र के से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए प्रत्येक वृत्त से दूसरे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की क्या करना है प्यारे बच्चों रचना करना है इस बात को ध्यान देना है तो अब हम स्पर्श रेखा की क्या करेंगे रचना करेंगे तो वो स्पर्श रेखा की रचना कैसे होगी अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है जो ये ए बी है इसका हम लंब समिभाजक करेंगे तो लंब समिभाजक कैसे किया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा कि बी पर बी को केंद्र मान के चाहे बी को केंद्र मान के चाहे ए को केंद्र मानते हुए चाहे जिसको भी चाहे बी या चाहे ए को केंद्र मानते हुए हम लोग क्या करते हैं आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा क्या लगा लेते हैं चाप लगाते हैं आधे से ज्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे प्यारे बच्चों तो ध्यान तो से देखिए ये लगभग ये आधे से ज्यादा दूरी हो गई ठीक ध्यान से देखिए ये आधे से ज्यादा दूरी लेकर हम क्या लगाएंगे चाप लगाएंगे और जिसका क्या करेंगे लंब समद्विभाजक यही चाप बी से लगाएंगे यही यही चाप हम ए से भी लगाएंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों यही चाप हम कहा से लगा रहे हैं ए से भी लगा रहे हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर काट रहा अब उस लाइन को भी थोड़ी सी अगर हम बढ़ा दें तो ये वाली भी लाइन यहाँ काट देगी अब ये लम समिभाजक हो गया तो जो समदिभाजक हुआ है पैर बच्चों उसी को हम क्या करेंगे मिला देंगे ध्यान से देखिए अब इनको हम क्या करते हैं मिला देते इस लाइन को क्या करेंगे मिला देंगे ये हो गया समदिभाजक जो कि कहाँ पर काटती है प्यारे बच्चों इसका नाम अगर देना चाहो नाम दे दो क्या नाम दे दो? एम तो ये चीज हम लिखेंगे ये चीज यहाँ रचना के चरण में लिखेंगे चौथा पॉइंट में क्या लिख देंगे चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि एबी का एबी का लंब समद्विभाजक किया क्या किया प्यारे बच्चों लंब ए बी का हमने क्या किया लंब समद्विभाजक किया जो कि जो ए बी को यम पर प्रतिच्छेद करती है जो कि ए बी को यम पर प्रतिच्छेद करती है क्या करती प्यारे बच्चों प्रतिच्छेद करती क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई अब हम आगे क्या करते हैं जो कि यम पे क्या कर रही प्रतिच्छेद कर रही रह है अब यम को केंद्र मानते हुए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए यम को केंद्र देखिए हम हम अगला स्टेप क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना है कि यम को केंद्र मानते हुए यम ए बराबर चाप लेकर ले एक वृत्त बनाएंगे ध्यान से यम ए या एम बी चाहे जो भी ले लीजिए उतना तो ही होगा इक्वल अब देखिए क्या बनाएंगे एक वृत्त बनाने वाले हैं प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिए वो वृत्त क्या होने वाला है ए कुछ वृत्त ए ऐसे बनेगा देखिए ये इधर इतना बन गया था अब उसी को केंद्र मानते हुए हम आधा इधर कंप्लीट कर लेंगे बच्चों थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा सा क्योंकि कैमरे के सामने सारी चीजें देखिए आपको दिखानी है इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए अब क्या होता है बच्चों ये ये कंप्लीट हो गए ठीक ठीक आपने क्या किया अगला स्टेप आपने किया, किया? ध्यान से देखिए अगला स्टेप आपने क्या किया कि एम ए या एम बी बराबर चाप लेकर एक दूसरा वृत्त बनाया ठीक ये भी लिख दो एक वृत्त बनाया पहले बच्चों अब जो वृत्त बनाया वो देखिए ये इस वाले वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही थी T1 और यहाँ T2 पर ठीक और ये यह यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, T3 और कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, T4 तो लिखेंगे जो क्रमशः T1 T2 और T3 T4 पर प्रतिच्छेद करती है बनाया जो क्रमशः क्या जो क्रमशः टी वन टी टू T4 थ्री टी फोर पर प्रतिच्छेद करती है टी फोर पर क्या करती प्यारे बच्चों प्रतिच्छेद करती है क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई प्रतिच्छेद करती हैं. अब ध्यान से देखिए अब आपका लास्ट आपका पद लिखना है प्यारे बच्चों वो सारा कंप्लीट हो जाएगा अब हम क्या करेंगे B को T2 और T1 से मिला देंगे तो एक स्पर्श रेखा हमको मिल जाएगी चलिए क्या करते हैं B को T2 और T1 से मिला देंगे ध्यान से देखिए ये देखिए ये, ये दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी जब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों B को T2 और T1 से मिला है देखिए B को T2 और T1 से मिला है बी को टी टू व बी को टी टू व टी वन से मिलाया ठीक तथा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा बी टी वन व बी टी टू प्राप्त हुआ इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम ए को भी मिला देंगे इसी प्रकार हम ए को भी मिला के लिख देंगे ध्यान से देखिए अब ए वाले को किससे मिलाना है ए वाले को टी थ्री और टी फोर से मिलाना है देखिए ए वाले को टी थ्री और टी फोर यहाँ है ना टी थ्री ये देखिए ये यहाँ मिला दिए ऐसे ही ए वाले को टी फोर से मिलाना है ध्यान से देखिए तो ये मिला दिए ये ना इस प्रकार आपका ये जो पूरा रचना है वो कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान सा प्रश्न है पहले आप इसका एक लीजिए फिर ये रचना के पदों का आप एक इसकी ले सकते हैं प्यारे बच्चों इस प्रकार ठीक उम्मीद है कि आपको ये रचना पहला सवाल अब ऐसे आपके एग्जाम में जब आपका आठ नंबर का प्रश्न आएगा तो आप आराम से इसे कर लोगे प्यारे बच्चों ठीक अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ठीक है ध्यान से देखिए आठवां प्रश्न आपसे क्या रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्ध गोले आकार का है तो प्यारे बच्चों ये मान लेते हैं कि ये कोई ठोस खिलौना रहा होगा जो कि एक अर्ध गोले के आकार का है उसका अर्ध गोला का आकार ये कुछ हो गया ठीक आगे क्या कर रहा है आगे कर रहा प्यारे बच्चों कि जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है यानी इसी ठो अर्ध गोले पर एक शंकु भी आरोपित है कुछ इस नुमा ठीक प्यारे बच्चों यानी इसी पे शंकु भी आरोपित है यानी शंकु भी रखा हुआ इस नुआ डिजाइन खिल बना है खिलौना बना है आगे क्या करा है अगर आगे प्रश्न में आपसे बोला है कि इस शंकु की ऊंचाई दो सेमी है यानी प्यारे बच्चों इस शंकु की जो ऊंचाई है वो दो सेंटीमीटर है ना आगे क्या करा है कि ऊंचाई दो सेंटीमीटर है आगे करा तथा आधार का व्यास यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो चार सेंटीमीटर प्यार बच्चों जो ब्यास चार है तो त्रिज्या तो भाई दो हो ही जाएगी ये यहां से यहाँ तक दो हो जाएगी ठीक ये ओ मान लेते हैं ना दो सेंटीमीटर हो गई क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई प्यार बच्चों तो आगे कह रहा है कि इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए पूरे खिलौने का आयतन ज्ञात करना है और आगे रहा है यदि एक लंबित बेलन इसी पर यदि एक लंबित बेलन इस खिलौने के परिगत हो मतलब एक लंबृति वेलन इस खिलौने को पूरे आ, पूरे खिलौने को बॉक्स के अंदर के अंदर बंद कर दे तो क्या कर रहा है कि बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है पहले बहुत ही सरल प्रश्न है पहले हम इतना चीज ज्ञात कर लेते फिर बेलन इस पे अध्यारोपित करेंगे देखिए व्यास आपको दिया गया था बेलन के आधार का व्यास आपको पहले से दिया है वो चीज चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख दो सारी चीजें नीचे लिखना है ये ध्यान देना तो बेलन के आधार का व्यास बेलन के आधार का व्यास जो है वो आपको दिया गया था कितना दिया गया था फिर बच्चों चार सेंटीमीटर व्यास चार है तो भाई त्रिज्या दो हो ही जाएगी त्रिज्या जो है वो आपकी दो सेंटीमीटर होगी क्योंकि व्यास का आधा होता है और बेलन की ऊंचाई दी गई है शंकु की ऊंचाई ना शंकु की ऊंचाई आपको दी गई कितनी दी गई फेर बच्चों शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई आपको दो सेंटीमीटर है एल। आपको चाहिए अगर हम की निकालना चाहिए तो आराम से निकाल सकते हैं तो फार्मूला पढ़ाया गया होगा शंकु की तिरक ऊंचाई का जो व्यंजक होता है वो एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्र प्लस क्या होता है एच की वैल्यू रखते हैं प्यारे बच्चों एच की वैल्यू कितनी है दो है का इसका भी दो है ठीक ध्यान से ये दो का वर्ग चार उस दो का वर्ग चार 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 कितना हो जाएगा बच्चों अब इसको हम एल की वैल्यू कितनी आ गई अंडर कितने हो गए बच्चों इसे हम लिख सकते हैं दो अंडरुट दो एल की वैल्यू आ गई अब आपसे आप पूछा पूरे खिलौने का आयतन तो पूरे खिलौने का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन तो लिखेंगे खिलौने का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों अर्ध गोले का आयतन किसका आयतन अर्ध गोले का आयतन प्लस किसका हो जाएगा शंकु का आयतन किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों शंकु का आयतन ध्यान से देखिए अब अर्ध गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखना बच्चों अर्ध गोले के आयतन का फार्मूला होता है दो बटी तीन पाई आर क्यूब और शंकु का होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच ठीक वैल्यू रखते हैं बच्चों तो यहाँ दो बटे कितना हो जाएगा तीन ये पाई आर आर की वैल्यू आपको दो पहले मैंने बताया बच्चों यहाँ देखिए त्रिज्या कितनी है दो सेंटीमीटर यहाँ देखिए ठीक तो दो का यहाँ क्यूब हो जाएगा प्लस एक बटे तीन ये पाई आर के स्थान पे फिर से दो का स्क्र इंटू एच भी दो ही है आपका ठीक चलिए इनको हल करते हैं बच्चों तो दुनी, दुनी, ठीक और आट दुनी कितना हो जाएगा बच्चों ध्यान से दो, दो का तीन बार आट, आट दुनी, सोला। तो सोला पाई बटे कितना आ जाएगा हर बराबर है जुड़ जाएगा सोलह आठ कितने हो जाएंगे आठ आ जाएगा कितना हो गया प्यारे बच्चों आठ पाई सेमी क्यूब ये पूरे खिलौने का आयतन है अब प्रश्न में उसी में एक प्रश्न और जोड़ के रखा है बच्चों कह रहा कि अगर हम इस खिलौने को अगर हम इस खिलौने के क्या कर दें कि, कि किसी दूसरे बेलन से क्या कर दे परि किसी दूसरे बेलन परिगत हो मतलब कहने का तो, मतलब है प्यारे बच्चों कि इस पूरे खिलौने को हम एक दूसरे बेलन के अंदर क्या कर दें बंद कर दें ऐसे किसी खिल इस पूरे खिलौने को क्या कर दे इस पूरे बेलन के अंदर क्या कर दे ऐसे बंद कर दे तब पूछ रहा कि खिलौने के आयतन और बेलन के आयतन में अंतर कितना होगा तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा अंतर तो चलिए अंतर निकाल लेते हैं ध्यान से देखिए अंतर कैसे निकालेंगे आपको रेड मार्क पेन का उपयोग कहीं पर भी नहीं करना पूरे एग्जाम में हमेशा ब्लू पेन ब्लैक पेन यही दो पेन प्रयास कीजिए तो ध्यान से देखिए अंतर खिलौने और बेलन का आयतन ना खिलौने तथा बेलन के आयतन में अंतर बेलन के आयतन में अंतर आयतन में अंतर तो अंतर का व्यंजक क्या होता है ध्यान से देखिए अंतर क्या होगा बच्चों बराबर हो जाएगा पैर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेलन का आयतन क्यों क्योंकि बेलन का आयतन ज्यादा होगा क्योंकि बेलन के अंदर पूरा वो भरा हुआ है तो बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा खिलौने का आयतन खिलौने का आयतन चलिए ध्यान से देखिए अब खिलौने का आयतन तो आपने निकाला है बच्चों कितना आठ पाई कितना आठ पाई सेमी क्यूब परंतु तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क चलिए पाई आर की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों दो है ही है एच भी दो है तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखिए ऊंचाई ध्यान से देखिए बच्चों बेलन की ऊंचाई आपको चार सेंटीमीटर दिया गया क्या कैसे चार होगी उसको देखिए प्यारे बच्चों दो सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है और इतना अर्धगोले की त्रिज्या होगी और ये भी दो हो जाएगा ये भी दो दो मिलके कितने हो जाएंगे चार इस प्रकार यहाँ ऊंचाई आ गई तो आ गया ये आठ पाई सेमी क्यूब दो दूनी चार चौके सोलह पाई सोलह पाई सेमी क्यूब माइनस कितना हो जाएगा आठ पाई सेमी क्यूब सोलह पाई में से आठ पाई घट जाएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आठ पाई सेमी क्यूब इस प्रकार प्यारे बच्चों ये भी आपका प्रश्न क्या हो जाता है कंप्लीट होता है प्रश्न नंबर आठ ठीक ये रहा अब हम बातें करेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर नौ का नौवा प्रश्न क्या कर रहा है उसे ध्यान से देखिए नवा प्रश्न इस समय आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा करा रहा बारह सेंटीमीटर छह सोलह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और बीस सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के तीन ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है तो इस ठोस गोले की व्यास क्या होगा बहुत ही गजब प्रश्न है प्यार बच्चों ध्यान देखिए छोटे छोटे दो तीन गोले हैं एक दो ये तीन गोले इन तीनों गोलों को पिघला दिया गया और एक बड़ा सा गोला बनाया गया अब पूछ रहा जो ये आपने बड़ा गोला बनाया है इसका ब्यास कितना होगा अगर मैं कहूँ इसकी त्रिज्या आर वन इसकी त्रिज्या आर टू इसकी त्रिज्या आर थ्री और इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर आर ज्ञात कर ले तो ब्यास हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे बच्चों इसकी त्रिज्या आपको बारह सेंटीमीटर दी गई है ये कितना है बारह ये आपको कितना दिया गया प्रश्न में सोलह ये आपको बीस दिया गया है आपको ये ज्ञात करना है चलिए इसके इन तीनों का आयतन इस आयतन के बराबर है इसका आयतन का फॉर्मूला होगा प्यार बच्चों चार बटे तीन पाई आर वन का क्यूब अगले का आयतन होगा वही चार बटे तीन त्रिजा बदल जाएगी पाई आर टू का क्यूब हो जाएगा प्लस चार बटे तीन पाई आर थ्री का क्यूब इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा चार बटे तीन पाई कैपिटल आर का क्यूब ध्यान से देखिए तीन दोनों में चार बटे तीन पाई चार बटे तीन पाई कॉमन है तो चार बटे तीन पाई कॉमन ले, ले लीजिए आर वन का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आर टू का क्यूब प्लस आर थ्री का क्यूब इक्वल टू उधर बच जाएगा चार बटे तीन पाई कैपिटल आर का क्यूब ये चीज ये चीज कैंसिल हो जाएगा आर वन की वैल्यू रखो प्यार बच्चों तो बारह का क्यूब आर टू की वैल्यू सोलह का क्यूब प्लस आर थ्री की वैल्यू कितनी है बच्चों बीस का क्यूब ठीक इक्वल टू आर का क्यूब अब इन सब का क्यूब करेंगे इन सब का क्यूब करने के बाद इन सब का प्यारे बच्चों जब हम क्यूब करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या है इन सब का क्यूब करेंगे तो ध्यान से देखिए बारह सोलह बीस तो कर देते हैं जो इन सब का क्यूब करेंगे इन सब का क्यूब करने के बाद प्लस करेंगे तो तेरह आठ सौ चौबीस आएगा ये आर के पावर क्यूब इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा तो क्यूब रूट लगने का मतलब होता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इसे हम कैसे लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं तेरह आठ सौ चौबीस तेरह आठ सौ चौबीस क्यूब रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा अब इनका हम क्यूब निकालेंगे क्यूब रूट निकालेंगे प्यारे तो, रूट निकाल लेते हैं। ध्यान से तो प्यारे बच्चों तो आएगा। आएगा? बच्चो तो भी गोले की जो त्रिज्या है वो चौबीस सेंटीमीटर है तो जो व्यास होगा वो व्यास क्या होती है त्रिज्या के दुना होता है दो गुड़े त्रिजा तो दो गुड़े चौबीस बराबर कितना हो जाएगा अड़तालीस सेंटीमीटर इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है प्रश्न नंबर कौन सा था प्यारे बच्चों नौ नंबर था ध्यान से देखिए ठीक अब हम इस क्लास की इस सेशन की लास्ट प्रश्न की चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों वो लास्ट प्रश्न आपका क्या है वो देखिए तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा दसवां प्रश्न आपको क्या कर रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक पांच है यदि बारम का योग सौ हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता कुछ इस प्रकार दी गई है प्यारे बच्चों ध्यान से देख सकते हैं ऐसे ही दिया रहेगा आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं प्यारे बच्चों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि ये चीजें दी गई हैं हमको यहाँ पर इसका सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना रहता है तो आइए हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं और संचयी बारंबारता निकालते हैं आपको उसी प्रश्न में नहीं बनाना आपको ये सारी चीजें अलग से दिखानी पड़ती है ठीक संचय बार्ता चलिए संचय बारम्बार्ता निकालते हैं जिसे हम सी एफ से तो संचयी निकालने का प्रोसेस होता है कि जो बारमवार्ता आपको दी गई है वो पहली बारमवार आप नोट कर लीजिए और उसमें जो सेकंड वाला है उसको प्लस कर दीजिए पांच और दो प्लस कर देंगे सात आ जाएगा फिर सात में एक्स प्लस हो जाएगा तो सात प्लस एक्स आ जाएगा फिर इसमें जुड़, तो तो जुड़ जाएगा तो बारह सात उन्नीस उन्नीस प्लस कितना हो जाएगा एक्स तो हो जाएगा उन्नीस में ये उन्नीस में सत्रह जुड़ जाएगा तो छत्तीस हो जाएगा प्यारे बच्चों तो छत्तीस प्लस कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा छत्तीस में बीस जुड़ जाएगा तो छप्पन प्लस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा ये छप्पन में वाई जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों तो छप्पन में तो वाई जुड़ेगा नहीं तो छप्पन प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा अब छप्पन में नौ जुड़ जाएगा तो पैंसठ हो जाएगा ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा पैंसठ प्लस एक्स प्लस वाई जुड़ता आएगा पैंसठ में सात जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों तो बहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा बहत्तर में चार जुड़ जाएगा तो छिहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई क्या आपको इतनी बातें भी क्लियर हुई प्यारे बच्चों क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं अब आपको क्या करना ध्यान से प्रश्न सुनिए कह रहा था कि इनके बारंबारताओं वार्ताओं का योग सौ है यानी ये टोटल सौ है ये भी टोटल सौ के इक्वल होने चाहिए यानी ये जो ये वाला डिजिट है ये वाला डिजिट के होना चाहिए। बच्चों, तो तो जो छेन है एन की वैल्यू कितनी है हंड्रेड है वो आपको पहले दिया है बारह वार्ताओं का योग सौ है तो ये वाला सौ के इक्वल होगा तो भाई छिहत्तर प्लस एक्स छिहत्तर प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा सौ ये प्लस छिहत्तर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू सौ माइनस छिहत्तर हो जाएगा घटा देंगे तो चौबीस आ जाएगा समीकरण नंबर क्या क्या यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अब हम क्या करते हैं भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपको चौबीस मिल गई तो जो माध्यक दिया गया था प्रश्न में चलिए सा देखिए माध्यक जो दिया गया पाँच सौ पच्चीस अर्थात जब माध्यक आपको 525 सौ पच्चीस दिया तो पहले हम इसकी वो वर्ग अंतराल हेरेंगे कि 525 सौ पचीस कहाँ से देखो तो जो 525 आएगा वो 500 से ज्यादा है मतलब 500 और 600 के बीच में आएगा तो जो हमारी मादिका वर्ग रहने वाली वो ये है मादिका वर्ग हम इसको ट्रिक कर ऐसे कर देंगे जिससे कि हमको पता चलता रहे हमने ये मादिका वर्ग लिया है बच्चों ये ध्यान से देखिए अब यहां से आपको ये क्या मिल जाएगा एल l होता है लोअर लिमिट l क्या होता है लोअर लिमिट तो ये जो 500 है वो l हो जाएगा यहाँ प्रश्न में ध्यान से देखिए तो l की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 l की जो वैल्यू है वो 500 आ जाएगी ठीक आगे आपको क्या-क्या जरूरत है सबसे पहले प्यारे बच्चों ठीक अब देखिए

छप्पन प्लस एक्स छप्पन प्लस एक्स ठीक इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई अब आपको ध्यान से लिखना है कि एल एच दे दिया गया अब हमारे पास माधिका का फार्मूला था माधिका का फार्मूला क्या था पहले बच्चों ध्यान से देखिए माधिका इक्वल टू तो था एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे क्या होता है पहले बच्चों एफ गुड़े ये था देखिए वैल्यू रख देते हैं एल की वैल्यू पाँच है प्लस एन की वैल्यू कितनी है सौ बटे दो माइनस सी एफ कितनी है छप्पन प्लस एक्स ठीक ये देखिए दिख नहीं रहा था क्या चलिए थोड़ा सा अब दिखेगा ठीक पूरे पूरे एक बटे एफ, एफ कितना है बच्चों आपने लिखा है ऊपर बीस यहाँ देखिए बीस और एच एच की वैल्यू कितनी है पैर बच्चों एच की वैल्यू सौ है तो ये बीस इक्के बीस बीस पंचे कितने हो जाएंगे सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके सामने कितना बचेगा पांच सौ प्लस ये सौ में से घटा कैंसिल कर देंगे तो ये पचास आ जाएगा ना तो पचास माइनस छप्पन प्लस क्या आ आ जाएगा एकस, गुड़े कितना जाएगा कितना छप्पन में से पचास घटा दीजिए बच्चों ध्यान से देखिए और ये आपको मादिका दी गई है मादिका आपके पहले ही दिया था पाँच सौ पच्चीस कितना दिया था पाँच सौ पच्चीस इसको हम रखते आएंगे देखिए छप्पन में पचास घटा देंगे तो माइनस पांच आएगा कितना माइनस छ आ जाएगा कितना आ जाएगा पैर बच्चों माइनस छ कितना जाएगा सौ क्या आएगा 500, माइनस, 56 है, 6, प्लस कितना जाएगा? X, और सौ माइनस छप्पन हो जाएगा गुड़े कितना हो जाएगा पांच अब देखिए ये आपका पाँच सौ हो गया ठीक ये प्लस 500 सौ इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों ये प्लस 500 सौ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इस बात को ध्यान देना आपको तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आपकी यहाँ से एक मिस्टेक हुआ था कि जो ये सी एफ होता है वो आपका इस जो लिमिट होती है जो आपकी ये माप होता है जो वर्ग होता है माध्यम मादि, माध्यिका वर्ग माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली सी एफ ली जाती है इस बात को ध्यान देखिए थोड़ी सी गलती हुई थी ये सी एफ है ये सी एफ तो सी एफ की वैल्यू छत्तीस प्लस एक्स हो जाएगी यहाँ छत्तीस प्लस क्या हो जाएगा एक्स ठीक तो अब जहाँ हम लोग छप्पन प्लस एक्स रख रहे थे वो छत्तीस प्लस एक्स होगा ठीक उसी प्रकार से छत्तीस घटा देंगे तो छत्तीस दस पचास चौदह कितना चौदह ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर चौदह आएगा तो ये आपका चौदह हो जाएगा और इस माइनस का गुणा यहाँ भी हो जाएगा तो चौदह माइनस कितना हो जाएगा एक्स चौदह माइनस कितना हो जाएगा एक्स ध्यान से अब आगे देखिए ये प्लस 500 सौ इधर जाएगा तो हम अगली इस पेज में करते हैं तो ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा आपको ध्यान से समझना है कि वो 525 सौ पच्चीस माइनस कितना हो जाएगा पांच सौ आपको क्या किया गया कि ये वाला जो चीज मैंने समझाया था तेरे बच्चों यहाँ देखिए ये यहाँ पर यहां ये पाँच सौ इधर गया माइनस हुआ और यहाँ पर चौदह माइनस एक्स बचा और बचा बस ये ध्यान देना है कितना बचा है इक्वल टू चौदह माइनस एक्स और पांच चलिए पाँच सौ पचीस में से पाँच सौ माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा पच्चीस माइनस एक्स गुड़े पाँच पांच एक पांच पांच पचीस पच्चीस ये पांच आ गए ये चौदह माइनस एक्स आ गया ये चौदह इधर चले जाएंगे प्यारे बच्चों पांच माइनस चौदह हो जाएगा बराबर माइनस एक्स पांच में से चौदह घटा देंगे तो माइनस नौ आएगा ये माइनस एक्स माइनस माइनस से कैंसिल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई नौ तो आपने एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लिया अब वाई की भी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते प्यारे बच्चों एक समीकरण हमने बनाया था एक्स प्लस वाई इक्वल टू चौबीस यही बनाए थे ना तो यहाँ एक्स के स्थान पर अगर हम नौ रख दे तो क्या आ जाएगा नौ प्लस वाई इक्वल टू चौबीस ये प्लस नौ उधर चले जाएंगे तो माइनस नौ हो जाएगा, तो जाएगा? जाएगा? तो यहाँ पर क्या होता है समाप्त होता है आई होप की ये जो दस सवाल हैं वो आपके एग्जाम में जरूर मदद करेंगे प्यारे बच्चों ये सभी दसो सवाल आपके आठ आठ नंबर के सवाल थे और हर एक चैप्टर से जितने आठ आठ नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं प्यारे बच्चों वो हमने लिए हैं ध्यान से लिखिएगा अगर आपने ये सारे सवालों की मदद से अगर आपके एग्जाम में काफी मदद मिलने वाली प्यारे बच्चों आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो अभी आप दो दिन का समय है दो दिन में आप मैथ को जो जम कर रिविजन कर सकते हैं प्यारे बच्चों और आपसे एक ही निवेदन है कि आप सभी फार्मूले को रिवाइज जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत Thank you all dear student